रायबरेली में बिजली चोरी की शिकायत करने पहुंची बिजली विभाग की टीम को मिल के मालिक ने घंटों कैंपस में ही रोके रखा। डीएम के संज्ञान के बाद पुलिसकर्मियों ने बंधक बनाए गए बिजली कर्मचारी को निकाला बाहर। कानपुर के घाटमपुर हाईवे पर डंपर के ड्राइवर की पिटाई का वीडियो सामने आया। जानकारी से के मुताबिक मामूली विवाद के बाद बस में सवार लोगों ने डंपर के ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में बदमाश के पांव में गोली लगी है। गो तस्कर के मामले में पुलिस को तलाश थी इनकी। अवैध तमंचा बाइक इनसे बरामद की गई। बहराइच बलरामपुर हाईवे पर मौजूद राइस ब्रांड मिल में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भीषण थी कि पूरा गोदाम धू धू करके जलने लगा। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की कई गाड़ियों ने इस पर काबू पाया। मथुरा वृंदावन अनाज मंडी में मौजूद रुई और गद्दे के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पहुंचकर बमुश्किल आग पर काबू पाया। कोटद्वार में खोह नदी में डूबकर चार युवकों की मौत हो गई। चारों युवक नगीना इलाके के रहने वाले थे। कोटद्वार पुलिस ने सभी युवकों के शवों को कब्जे में लेकर बेस अस्पताल भेजा। बस्ती में सपा के गौर ब्लॉक के पूर्व प्रमुख मठाधीम महेश सिंह कलहंस पर जिला प्रशासन की नजर टेढ़ी हो चुकी है, जिसके बाद प्रशासन ने इनके दो पेट्रोल पंप सीज कर दिए और अब सपा नेता की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। संभल के सदीरनपुर गांव में ईद की नमाज के बाद चली ताबड़तोड़ गोलियां, बच्चे सहित चार लोग जख्मी। फायरिंग का लाइव वीडियो सामने आया। पुरानी रंजिश की वजह से की गई थी फायरिंग। बिजनौर के रिहायशी इलाके में बाघ के घुसने के बाद दहशत फैल गई। बाघ को देखने के बाद ग्रामीण सहम गए। वन विभाग को बाघ के दिखने की जानकारी दी गई। बढ़ापुर रेंज के कुआखेड़ा इलाके में बाघ देखा गया था। बुलंदशहर के अनूप शहर में गंगा स्नान के दौरान पांच लोग अचानक ही डूब गए। इनमें से तीन लोगों के शव निकाले जा चुके हैं, जबकि दो शव अभी भी लापता हैं। एनडीआरएफ पीएसी की फ्लड प्लाटून और गोताखोर शवों की तलाश कर रहे हैं। उधम सिंह नगर के खटीमा में गला रेतकर युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने उसी के दोस्त समेत पंजाब से आए दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से धारदार हथियार और मृतक का मोबाइल फोन भी बरामद किया। वाराणसी के बीएचयू में इफ्तार पार्टी के विरोध में छात्रों ने कुलपति आवास के सामने परशुराम जयंती मनाई और कुलपति का पुतला फूंककर विरोध जाहिर किया। इस दौरान छात्रों की सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का मुक्की भी हुई। पीलीभीत में बीती रात दो गुटों में जमकर मारपीट और ईंट पत्थर चले हैं। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को सीएचसी में भर्ती कराया। लखीमपुर खीरी में आतिशबाजी में घायल हुए बच्चों को लेकर पीएससी पहुंचे परिजनों की मेडिकल स्टाफ के साथ जमकर मारपीट हुई। मामला निगासन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल हो चुका है।